बदक का बच्चा जब अंडे में से निकलता है तो ज़मीन पे पैदा होता है, लेकिन वो उसके बाद में खुद उसको उसकी माँ नहीं सिखाती कि पानी में तैरना कैसे, वो खुद जाता है और उछल कर पानी में कूदता है और तैरने लग जाता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो सीख जाता है। इस तरह बहुत सारे जानवर सबका यही मामला है। मुर्गी मुर्गी होती है, अब मुर्गी अंडे देती है वो कुड़क हो जाती है। अब कुड़क तो आज नहीं समझते लोग, पहले लोग ज़्यादा समझते कुड़क होना क्या है, कि मुर्गी 15 दिन अंडे देती हो, 15 दिन के लिए वो अंडे देना बंद कर देती है, उसको कहते हैं कुड़क होना। और मशीन से होते हैं आजकल, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उससे हो जाते हैं, तो कुड़क हो जाती है। लेकिन उसके बाद में वो अंडे इकट्ठे कर लेती है, उसको जब बच्चे उसमें से निकालना होते हैं तो उसके ऊपर वो बैठती है, एक वक्त होता है, उसके बाद में वो हर अंडे को सहती रहती है, उसको पलटती भी रहती है कि इसको कितनी गर्मी देना है। अभी उससे पहले जब तक वो कुड़क नहीं हुई थी, पहली बार अंडे दिए, उसको मालूम नहीं था कि मुझे ये करना है, उस वक्त उसके पास वो इल्म उसका फिट रहता है, वो आ जाता है और खुद ब खुद करने लग जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। इसके बरक से इंसान को हर चीज़ सिखानी पड़ती है। अगर एक औरत के बच्चा होता है तो उसको हर चीज़ सिखाना पड़ेगा, देखो बच्चे को ऐसे उठाना पड़ेगा, ऐसे इसको दूध पिलाना पड़ेगा, ये रोएगा तो ये करना पड़ेगा, हर चीज़ सिखाना पड़ती है। जानवरों में ऐसा नहीं है, तो जानवरों का ये होता है कि जिस उसके अंदर जो जिस उम्र के अंदर जो इल्म चाहिए उसके अंदर वो इल्म आ जाता है। और ये सदियों से हम देखते आ रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। 1000 साल पहले मुर्गी ऐसा करती थी, आज भी ऐसा ही करती है। गाय भी 1000 साल पहले चारा खाती थी, गोबर करती थी, आज भी वही करती, दूध देती है वही करती, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती, सब कुछ वैसा ही है। बकरी हो चाहे जो भी जानवर हो, हाथी हो शेर हो, सब वही करते हैं। तो जानवरों के अंदर आमतौर पर विकास नहीं होता, इर्तिका नहीं होता, तरक्की नहीं होती जानवरों के अंदर, तरक्की इंसानों के अंदर होती है। और इंसान जहाँ तक एक इल्म हासिल करता है अपनी उम्र के अंदर, उस इल्म को वो क्या करता है कि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से, तो वो अपना इल्म क्या करता है कलम के ज़रिए से लिख के छोड़ के चला जाता है। फिर दूसरा इंसान आता है तो वहीं से शुरू करता है, तो उसने जो टाइम लगाया उसकी ज़िंदगी के 50 साल, उससे पहले जिसने 30 साल लगाए, तो उसको 80 साल का तरक्की उसको की हुई मिलती है, तो वहीं से शुरू करता है तो और उसको आगे ले जाता है। तो इंसान इस वजह से तरक्की करता जाता है। जानवरों में ऐसा नहीं होता, कि जानवर के अंदर ऐसा नहीं कि ये कुत्ता आया था तो ये यहाँ तक का सिखा के चला गया, बकरी ने यहाँ तक सिखा दिया, फिर इससे आगे दूसरी बकरी आई और अब वो उसका इल्म आगे लेके बढ़ा और इससे आगे चली गई, उनमें नहीं होता है। और इंसान जो है वो तरक्की करता जाता है। और इंसान फिर ये है कि जानवर तो अपने इल्म के साथ में पैदा होता है, और इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास इल्म नहीं होता, सिर्फ चंद कुछ चीज़ें उसके पास में रहती हैं, जो अलामतें जो उसके माँ को उसके वालदेन को जो उसके पाल रहे हैं उसको मालूम पड़ जाए कि रो रहा है तो क्यों रो रहा है, इसको भूख लगी है या इसने पेशाब कर दिया, बस ये चीज़ें उसके पास में होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसके पास इल्म नहीं होता। और ये और ऐसा भी जब से मखलूक पैदा की अल्लाह ने इंसान, तब से ऐसा ही है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका नॉलेज ज़ीरो होता है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया सूरह नहल नंबर 16 आयत नंबर 78 में, अल्लाह अखरजकुम मिन बतूनी उम्मातिहिकुम ला तालमूना शैया, कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से निकाला तो जब तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं था, तुम इल्म के अंदर जीरो थे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। तो इंसान यहाँ से शुरू करता है, जीरो से शुरू करता है, और जानवर इसके मुकाबले में उसका इल्म फिट होकर आता है। अब ये जो इंसान तरक्की करता गया है, इसकी वजह ये है कि जो पहले के लोग इल्म छोड़ते गए, इसने वहाँ से शुरू किया तो करते करते आज चाँद तक पहुँच गया, कई ज़मीनों के अंदर पहुँच गया, दूर दूर तक चला गया, इसकी वजह है कि उससे पहले उन्हें इल्म छोड़ा गया था। तो इसके अंदर उसका इर्तिका होता है, उसका विकास होता है, उसकी तरक्की होती है। और इंसान इल्म सीखता है कहाँ से, घर से, माहौल से, जो माहौल उसको मिलता है समाज का उससे इल्म सीखता है। इसी तरह जो है वो इससे इल्म सीखता है कि फिर वही की रहनुमाई से और उसको गाइडेंस मिलती है, उससे इल्म सीखता है। और उसको इख्तियार दिया गया है, जानवरों को इख्तियार नहीं, उसको वैसा ही करना है जो उसको बताया गया है, जो इसका इल्म है। लेकिन इंसान की रहनुमाई की गई ताकि वो तरक्की करे, और अगर वो वही की रहनुमाई के अंदर तरक्की करता जाता है तो फिर वो तरक्की करता जाएगा, और अगर उसको छोड़ देगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका इल्म का सोर्स वही अल्लाह की किताब है।
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو چیزیں کائنات کے اندر ہیں, جو بھی چیز اللہ نے اس کے اندر, دریا, پہاڑ, سورج, پیڑ پودے, چاند, ستارے, جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے اللہ نے بنائے, اور یہ انسان کی ضرورت ہے. اس میں سے کچھ کم کر دیا جائے انسان رہ نہیں سکتا زمین کے اندر. سورج ہٹا لیا جائے رہ نہیں سکتا, چاند ہٹا لیا جائے رہ نہیں سکتا, ستارے ہٹا لیا جائے, پانی ہٹا لیا جائے, ہوا ہٹا لی جائے, پیڑ پودے ہٹا لیا جائے, جانور ہٹا لیا جائے, تو انسان کو اس سے فرق پڑے گا, وہ رہ نہیں سکتا زمین کے اندر. تو یہ سب اس کے, لیکن یہ اس کے اندر سے انسان کو ہٹا لیا جائے تو ان کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ سب انسان کے لیے. اس میں سے کچھ کم کر دیں گے تو انسان کو فرق پڑے گا, لیکن ان کو اس کے اندر سے پھر انسان کو ہٹا لے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سورج اپنا جو چل رہا ہے وہ چلنا ہے, کیونکہ اس کا فکس ہے, اللہ نے جو رکھا ہے تو اس کے حساب سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ترقی اللہ نے یہاں زمین پر دی ہے تو یہ ترقی ہم کو جنت میں بھی ملنے والی ہے. ایسا نہیں کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت ایک فکس ہے, اس کو جتنا بڑا ایریا اس کو دیا گیا, اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ترقی کرنا انسان کی فطرت کے اندر, دنیا کے اندر ایک وہ ٹارگیٹ لے کے چلتا ہے, ایک جب وہ کوئی کام شروع کرتا ہے, بزنس شروع کرتا ہے, یا جب اس کی جاب لگی تو ایک وہاں سے ٹارگیٹ لگتا ہے کہ میں اس سے اتنا اتنا کماؤں گا, اتنا بچاؤں گا, پھر یہ مکان بناؤں گا, پھر یہ گاڑی لوں گا, پھر اور اگر بزنس مین ہے تو اور وہ زیادہ سوچتا ہے کہ میرا ایک فارم ہاؤس ہونا چاہیے, ایک بنگلہ یہاں بھی ہونا چاہیے, مجھے بار بار وہاں جانا تو وہاں پہ ایک گھر پہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے, یہ فلاں گاڑی ہونی چاہیے, یہ شادی میں جانے کے لیے, یہ باہر جانے کے لیے, یہ فیملی کو لے جانے کے لیے ایک بڑی گاڑی, وہ تمام اس کے پاس میں چیزیں رہتی ہیں یہاں دنیا کے اندر, کیونکہ وہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کو زیادہ چاہیے ملتا رہے. تو جنت میں بھی اللہ نے اس کی فطرت کو چینج نہیں کرے گا اللہ, کہ جتنا دے دیا کہ بھائی اتنی 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 جتنا ایک بار میں مانگ لو مانگ لیا اور ختم ہو گیا, وہاں پر بھی وہ ترقی کرتا چلا جائے گا, وہاں پر بھی اس کو ملتا چلا جائے گا جتنا جتنا اس کا, وہاں پر بھی علم اس کو بڑھے گا, وہ دوسروں کے پاس جائے گا, وہاں پر جس کے اعلیٰ جنت ہے وہاں دیکھے گا, پھر یہاں پر بھی وہ تو خواہش کرے گا تو ہر خواہش پوری ہونا ہے اس کی تو اس کو ملتا جائے گا. تو یہ اللہ نے اس کے تعلق سے سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ لترک بننا طبقن ان طبقن, کہ تم منزل پہ منزل چڑھتے چلے جاؤ گے. جنت کے تعلق سے فرمایا کہ وہاں بھی کوئی فکس نہیں کہ اتنی جنت آپ کو دے دی, وہاں پر بھی آپ ایک کے بعد ایک بار ترقی کرتے چلے جاؤ گے تو وہاں بھی ملتا رہے گا.